और 27 अनारक्षित हैं। तो ये सूची अभी आपको मिल जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। क्षेत्र पंचायतों के संबंध में 826 पद में 5 पद शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। कल आप पूछ रहे थे वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो इसमें 2 पद सोनभद्र में है, 1 ललितपुर में है, 1 देवरिया में है और 1 बलिया में है। उसके बाद 171 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें 86 पद स्त्रियों के लिए हैं। और उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग में 223 सीट कुल आरक्षित हैं और स्त्रियों के लिए 97 है। ये ब्रेकअप है, यानी कुल स्त्रियों के लिए 826 में 300 सीटें आरक्षित हैं। ये क्षेत्र पंचायत का रहा। इसी तरह जो 58,194 ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए भी विकास खंडवार, किस विकास खंड में कितने प्रधानों का पद किस श्रेणी में आरक्षित होगा, ये सूचना और ये आदेश जारी कर दिया गया निदेशक के द्वारा। और आपके लिए इन्होंने जिले वाइज बनाकर एक सूचना आपके फोल्डर में रखी गई है, जिससे आपको सहूलियत होगी। अब ग्राम पंचायतों के बारे में डायरेक्टर आपको ब्रीफ करेंगे। नमस्कार। प्रदेश में कुल 58,194 ग्राम प्रधान के पद हैं। जैसा कि आप सबको अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान का रिजर्वेशन की यूनिट ब्लॉक होती है और ग्रामीण आबादी के सापेक्ष हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। जो प्रथम कार्रवाई होती है वो आरक्षण की कार्रवाई होती है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग ग्राम प्रधानों के पदों का अलॉटमेंट करते हैं। सर्वप्रथम 58,194 ग्राम पंचायतें जो हैं पुनर्गठन के बाद सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए बनाई गई हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए कुल 330 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें 330 पद में 199 पद जो हैं वो अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए व 131 पद जो हैं अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश में 826 विकास खंडों में 565 विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति निवास करती है और उसी के हिसाब से उन सभी विकास खंडों में हम लोग के द्वारा पद आरक्षित कर दिए गए हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट में कुल जो पद हैं वो 7,757 पद रिजर्व किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 4,288 शेड्यूल कास्ट के लिए कुल 12,045 पद आरक्षित किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 4,288 व पुरुष के लिए 7,757 पद आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वो है 15,712, जिसमें पुरुष के लिए जिसमें पिछड़ा वर्ग पुरुष 10,211 व महिलाओं के लिए जो है 5,501। और इसी प्रकार सामान्य जो स्त्री पद आरक्षित हुए हैं वो है 9,739। इस प्रकार कुल जो है हम लोग के अनारक्षित पद जो हैं 58,194 में वो 20,368 पद अनारक्षित हैं। ये सभी विकास खंडों द्वारा जो प्रधान की आरक्षण की यूनिट होती है वो ब्लॉक होता है, तो निदेशालय द्वारा हर ब्लॉक में कुल ग्राम पंचायत के सापेक्ष कितने पद किस कैटेगरी में होंगे आज ये जारी कर दिया जा रहा है। और इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा उन कैटेगरी के सापेक्ष जो है ग्राम पंचायतों का आवंटन वहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। ये समस्त कार्रवाई जिलाधिकारी को 15 मार्च तक पूर्ण कर लेनी है। 2015 देखिए कुल आबादी 7 लाख कम हुई है, यानी इतनी आबादी शहर में चली गई, जो नगरीय निकाय बने हैं उसकी वजह से ये नगर में चली।